हेलो, गुड मॉर्निंग टेस्टिले जुले। और आप लोग सब ठीक होंगे? आई होप। मैं भी ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। तो दवाई लेके आई थी बहुत सारे, तो उससे थोड़ा गले में, जो छाती में बहुत हो रही थी खराश, गले में खराश दर्द हो रही थी, वो काफ़ी ठीक हो गया है। तो आज तो मेरी आवाज़ सुन के लग रहा होगा आपको पता कि थोड़ा क्लियर आवाज़ आ रही है, नहीं तो ऐसे वाइब्रेशन जैसे आवाज़ आ रही थी। तो अब मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ अभी। तो सुबह के 6 बजे उठी हूँ मैं। तो हस्बैंड को चाय, नाश्ता और क्या बोलते हैं, टिफ़िन दे दिया है। तो इसके बाद बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं सोच रही थी इनके लिए आज कुछ नया डिश बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ टिबेटन टीमो और गोभी की सब्ज़ी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में, तो कैसे कैसे बनता है ये आप देखते रहना। ये टिबेटन टीमो और आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ मैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, जैसे बेकरी में वो होते हैं बंद ब्रेड, उसके तरह सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, बहुत टेस्टी लगता है। चाय के साथ खा सकते हैं हम, उसमें बटर लगा के भी खा सकते हैं, और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये टीमो बहुत टेस्टी लगता है। ज़्यादातर टिबेटन उसमें ये मैदे से बनता है, लेकिन मैं मैदे से बहुत कम चीज़ बनाती हूँ, तो मैं आटे से बना रही हूँ। आटा का अच्छा होता है, और मैदा वैसे भी बोलते हैं ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं मैदा बहुत कम यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। तो मैं बना रही हूँ आटे से ये टीमो, तो आप देखना कैसे बना रही हूँ। तो मेरा टीमो बन गया है, लेकिन अभी बच्चे सोए हैं, तो जब बच्चे उठ जाएंगे तो उनको खाने को दूंगी। तब तक ये मेरे छोटे छोटे बच्चों को देख लेती हूँ, फूलों को। मौसम भी ऐसा ही है, कुछ बादल कुछ धूप, घर में काम चला हुआ है। ये देखो इतना किनारा पड़ा हुआ है, जितने मर्जी सफाई करो सब जगह में रेत ही रेत है। ये देखो सैंडी भी उठ गया है। सैंडी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, देखो सैंडी, गुड मॉर्निंग सैंडी, सैंडी चल पड़ा है। ये देखो कितना ज़्यादा किनारा पड़ा हुआ है सैंडी। आपको मैं अपना बगीचे के रोज़ दिखाती हूँ। ये देखो अब बहुत सुंदर सुंदर रोज़ निकलेंगे यहाँ पे। ये देखो राइस, ये गुच्छे गुच्छे मिलेंगे हम सारे। तो थोड़े दिनों में मैं घर में ही नर्सरी खोलूँगी, कोशिश करूँगी कि नर्सरी खोल सकूँ मैं। देखो बहुत सारे फूल खिलेंगे, आप गुलाब ही गुलाब होंगे, गुलाब के बहुत सारे बैठे तैयार होते हैं। चांदी का जा रहा ना जा रहा है। ये देखो ये सब खिलेंगे, ये कलियाँ कलियाँ लगी हुई हैं। घर में कितना रेत बजरी कितनी सी लगी मेरे को। ये टमाटर अब ख़त्म हो गया है शीश वाले पौधे का सीज़न, छोटे छोटे टमाटर भी लग रहे हैं फिर भी। ये धनिया लगा है, ये बीज तैयार हो रहे हैं धनिया के। ये देखो ये तैयार हो गए हैं बीज, इसमें से निकलता है धनिया, ये और भी निकलेंगे बहुत सारे। अब ये नाशपाती भी तैयार हो गया है, छोटे छोटे नाशपाती पड़े हैं, और ये लीची के ये छोटे छोटे लीचियाँ लग रही हैं। ये देखो और नाशपाती भी लग गए हैं। ये देखो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे नाशपाती, जो बड़े हो जाएंगे आपको दिखाऊंगी कितने बड़े लगते हैं। ये एक रोज़ है, सिंदूरी कलर का है, बहुत सुंदर कलर है ये। और ये देखो कितने गुच्छे गुच्छे में कलियाँ लग रही हैं। मेरे फूल बाहर रखने से थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गए हैं।
तो गाइस ये नाश्ता कर लो जो सुबह मैंने बनाया था, टीमो स्टू एंड मिल्क शेक। गाइस मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाए थे तो वो आया है, तो लेने जा रही हूँ मैं। नमस्ते। सैंडी भी आया है साथ में, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अभी थोड़ी देर पहले एक और आया था, अभी एक और आ गया है। आ गया, कल आए थे आप ना? अच्छा फ़ोन किया था, वो मिस्त्री लगे हुए ना, तो ग्राइंडर चल रहा था ना, उसे आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा था, फोन अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, थैंक यू। पेमेंट हो गया ना आपको? ये आया है मेरा पार्सल, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको दोनों पार्सल ओपन करके। ठीक है, चलते हैं घर के अंदर। एक पार्सल ये है और एक पार्सल ये है, तो मैं अभी आपको ओपन करके खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने कुर्तीज़ मंगाई हैं शिफोन का, तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये है प्योर शिफोन है, अच्छा है काफ़ी। ये देखो, इसने लगने की पढ़ाई है तो जहाँ बहुत ज़्यादा, मैं मुझे अच्छा लगता है लगने की पढ़ाई। और इसके साथ इनर दिया हुआ है अंदर साफ है, ऊपर करती हूँ थोड़ा। ये बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा है कॉटन में, तो समर है तो समर के लिए कॉटन बेस्ट है, बहुत अच्छा है। ये देखो मटेरियल भी अच्छा है, शिफॉन शिफॉनी जॉर्जेट है, ये फुल फुल इसमें थ्रेड वर्क है, लखनवी थ्रेड वर्क, तो अच्छा लगा मुझे। तो ये पहन के, जिसमें पहनूंगी फिर आपको बताऊँगी। तो ये है फुल कलेक्शन आया था, पता नहीं ओपन करके देखती हूँ कैसा है। ये है लगा आपको फुल, ये कैसे इसको मैं खोल के दिखती हूँ आपको, पता नहीं कैसे आया है। ये है अच्छा है, इसका स्टोपी मोटा है, दरी टाइप में बेड बिछा सकते हैं, बेडशीट टाइप है, जैसे मंगाया था सेम कलर अच्छा है। ये देखो गाइस, तो ये दो पार्सल ऑनलाइन मंगाए मैंने मीशो से। ये देखो गाइस, ये मैंने बिछा दिया है बेड पे, ये मैंने बिछाया है सिंगल बेड पे, ये हो जाएगा 4x6 का बेड पे भी आराम से। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। एक बार अच्छे से बेड पे इसको मतलब बिछा के दिखा दिया आप लोगों को कि ये कैसा है फुल। इनको गले काफ़ी लगा मर रही है और किनारे पे भी काफ़ी सुंदर है, और ये फुल इसके साथ हो देखता है इनर जितना ही कुर्ता है उससे थोड़ा सा ऊपर, तो इनर भी बहुत अच्छा है, कॉटन है बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन, फिनिशिंग अच्छी है इसकी। हेलो, गुड इवनिंग। तो डिनर की तैयारी करने लगी हूँ मैं, शाम के 6:30 बज गए हैं, 6 बज गए हैं शायद, 6:15 हुआ है। तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो आज के डिनर के लिए मैं बना रही हूँ मटन। देखो, आधा किलो मटन, प्याज कट करके रख दिया है, टमाटो, ये अदरक लहसुन एंड ये मसाला गर्म मसाला मिर्च और हल्दी, नमक मैं बाद में डालूँगी। और आज मटन बनेगा ये फिंग डाल के, ये फिंग टिबेटन फूड में से एक है, तो ये फिंग डाल के आज मैं बनाऊँगी मटन। तो आप सब देखते रहना कैसे बनाती हूँ मैं। तो मटन को धो लेती हूँ पहले, ये धो लिए है मैंने मटन को। इसका पानी फेंक देती हूँ। गाइस इस छोटे से दस्ते में मैं कूटूंगी अदरक और लहसुन, देखो अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने गैस ऑन, और इस पर रख लेती हूँ मैं कुकर। कुकर थोड़ा सा पानी है, ये सूख जाए तो डालूंगी मैं तेल, तेल मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी, मटन के लिए मस्टर्ड ऑयल अच्छा रहता है। का पानी सूख गया तो इसमें डाल रही हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल गर्म, थोड़ा सा हल्का ब्राउन ब्राउन मैं भून लेती हूँ मैं इसको, प्याज में थोड़ा सा ब्राउन, इसके साथ ही मैं मटन डालूंगी, साथ साथ में मटन भी भून जाएगा, फिर मटन को पकने में टाइम लगता है। इसको अच्छे से भून लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का भूनी गैस, ये आस्ते आस्ते करेगा। मटन भून चुका है अच्छे से, ब्राउन ब्राउन हो गया है, तो उसमें आप डालूंगी मसाले साइड डालूंगी, और स्वाद अनुसार नमक, इसको थोड़ा सा मिक्स करना सको, मसाला मिल गया सबको।
फाइनली मसाले को दो मिनट भून लेती हूँ, फिर टमाटर डालूंगी। बस दो मिनट हो गए, मसाला अच्छे से भून गया है, देख लो बहुत सुंदर कलर आ गया। तो इसमें डालूंगी मैं टमाटर, चार टमाटर डालूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिक्स करना अच्छे से। अब इसमें डालूंगी मैं हींग, हींग मैंने पानी में खोल के रखा था, थोड़ी देर टमाटर को गलने तक भून लेती हूँ। बस देखो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून लेता है अच्छे से, और बहुत अच्छा सुंदर कलर आएगा देखो। तो सीधा सीधी लगेगी, पता है मटन है और टाइम लगता है, तो ये कर रही पानी ऐड सीटी आने तक। गैस पानी ऐड कर दिया मैंने और चार पांच सीटी लगाने हैं, और इसको कर देती हूँ मैं बंद। तो चार पांच सीटी आने तक उसके बाद डालूँगी मैं फिंग। आपको बताया था ना मैंने क्या डालना है इसमें, ये फिंग डालना है। ये हमारे टिबेटन फूड्स, मतलब कोई भी सब्ज़ी हो, आलू की सब्ज़ी हो या मटन हो, चिकन हो, किसी में भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं इसको, बहुत टेस्टी बन जाता है इससे। गाइस सीटी खोल दी मैंने कुकर का ढक्कन और मटन पके हैं, ये देखो कैसे मटन पके पूरा तैयार है। तो इसमें हम डालूंगी फिंग, ये होता है फिंग, ये बहुत बड़े बड़े थे, थोड़ा सा काटा है इसको, छोटा छोटा पीस किया है क्योंकि बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, जैसे चाउमीन होते हैं वैसे हो जाता है। डाल दी मैंने, तो ये थोड़ा सा गलने तक उबाल होना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी बचाता है तो ये सूख जाएगी पानी, और भी पकेगा जैसे ही वाला ढक्कन लगाना मुझे इसको। तो हो गया रेडी, तो मैं सर्व करूँगी। ये पिंक भी पके हैं अच्छे से गाइस, ये देख लो खाना डाल रही हूँ। सबसे पहले सैंडी का खाना, छोटा बच्चा है सैंडी, उसको ठंडा करना पड़ता है खाना, सबसे पहले उसी को देना पड़ता है नहीं तो नाराज हो जाता है। तो उसके लिए ठंडा करने का कर देता हूँ दो मिनट। चावल बहुत कम पसंद करता है, वो रोटी पसंद करता है, लेकिन नॉनवेज बना हो तो चावल खा लेता है, लेकिन नॉनवेज में भी अगर इतना सा सूखा चावल रह जाए तो वो नहीं खाता। बहुत नखरे वाला है सैंडी मेरा, लाडो बच्चा है, लाडो बच्चा। ये हो गया है ठंडा, तो उसको डाल दूँ मैं, अभी गर्म है। ठीक है, ये देखो गाइस हो गया है डिनर रेडी। तो गाइस चलो आप लोग भी खा लो, हम लगे हैं खाने, डिनर 8 बज गए हैं। हेलो गाइस, तो मैं भी कर लेती हूँ डिनर, ये लो पिंक के साथ आप लोग भी खाओ डिनर। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट, टच दिले जुले, सायोनारा।